तुम लोग बिक्री करो लेकिन चेहरे पे ना ठीक है। बाकी हाँ चलो के सुनाई दे मुझे आपका पूरा परिचय। प्रांजल पांडे एमजीएमसी का वर्तमान में छात्र हूं मैं यहां पे और वर्तमान में आज मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूं। अध्यक्ष चुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अध्यक्ष चुनने के बाद जो अनुभूति है वो अकल्पनीय है और इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता, वो हृदय में ही रखी जा सकती है। क्या संकल्प आपने लिया है और क्या विद्यालय के लिए कुछ नया करेंगे? मेरा संकल्प है कि मैं संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा। इस विश्वविद्यालय को अखंड भारत के तर्ज पर, जो हमारा पहला सनातन धर्म व्यवस्था के आधार पर जो हमारी व्यवस्था थी उसके तर्ज पर इस विश्वविद्यालय को बढ़ाना, इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी, इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना। ये बताइए कि देखा जाता है जो अब जो विश्वविद्यालय हैं चुनाव जहाँ होते हैं कहीं ना कहीं राजनीति का गढ़ हो रहा है और गुंडागर्दी ही बढ़ गई है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? जी नहीं, राजनीति का गढ़ नहीं, ये राजनीति की प्रथम पाठशाला है और गुंडागर्दी की ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आपस में हमारे अभी कितने इतिहास हमारे विश्वविद्यालय को उठा देख कर देखिए, ऐसी कोई भी हिंसक घटना कभी नहीं हुई है। हाँ, एक साथ जहाँ परिवार में भी बहुत से लोग रहते हैं तो कहीं छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बातचीत के माध्यम से हम लोग उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हमारे विश्वविद्यालय का कोई भी वातावरण या व्यवहार नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के हित के लिए आप क्या करेंगे? मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि मैं विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाऊँ, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय जो इस समय राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त मानदेयों पर चलता है, जो काफ़ी कम हमारा विश्वविद्यालय इस समय वर्तमान विश्वविद्यालय का बजट काफ़ी कम है, इसलिए मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय से जुड़े ही हैं, जुड़े मतलब संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि मैं इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा सकूँ।